शिवपुरी कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 18 जनवरी को कैबिनेट की बैठक में प्रदेश राज्य के लिए एक नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जो कि 1 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। वहीं जहां पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मध्य प्रदेश की जनता से वादा किया था कि मध्य प्रदेश में नशे को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और हम मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे, वहीं दूसरी ओर इस नई आबकारी नीति के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता, खासकर गरीबों को नशा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई आबकारी नीति जिसमें आपकी सरकार शराब लगने वाले टैक्स में भारी कमी कर रही है, प्रदेश के युवाओं को और अब गरीबों को शराब नशे की लत के लिए प्रेरित करेगी। आपकी नई आबकारी नीति में सरकार ने घर में शराब रखने की पुरानी लिमिट से भी 4 गुना अधिक शराब रखने की छूट प्रदान कर दी है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंकित दाखड़ है, मैं यूथ विंग से शिवपुरी का जिला अध्यक्ष हूँ। ये मध्य प्रदेश में जो अभी मध्य प्रदेश शासन ने जो शराब नीति अभी लागू की है, ये हमारे युवाओं के लिए बहुत हानिकारक है। और ऐसी शराब नीति लागू की है कि मॉलों में भी शराब की दुकानें खोलने का आदेश दे दिया इनने। और पहले 36 घर में कम 5 लीटर शराब रखने का आदेश था, लेकिन अब 10-20 लीटर भी शराब रखने का आदेश दे दिया। ये नीति बहुत खराब है सरकार की, और इसके खिलाफ हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, इसके विरुद्ध खड़े हैं। हमारे आम आदमी पार्टी पूरे शिवपुरी जिले में एक ऐसा आंदोलन करेंगे कि सरकार देखेगी इसको। इसके बाद भी आपकी अगर डिमांड पूरी नहीं होती क्या करोगे? डिमांड पूरी नहीं होगी, हम सड़कों पे आएंगे, और भी संगठन है सब सड़कों पे आएंगे, और भी जितने भी और हमारे सब युवा साथी क्यों नहीं करेंगे? मुद्दा क्यों कर रहे हो उसको? मॉल में क्यों आप शराब की दुकान खोल रहे हो? अगर कल हमारी महिलाएं बहन अगर मॉल में जाती हैं शराब पी के कुछ भी, वो तो कल बार भी खोलेंगे। आज नीति लागू की है, कल बार खोलेंगे, तो उसमें कुछ गंदी हरकतें कर सकते हैं। तो ये गलत है सरकार का, ये युवा पीढ़ी को बरगलाने वाली बात, युवा पीढ़ियों को बहुत नुकसान होने वाला है, इससे महिलाओं को भी बहुत नुकसान होगा। ये बहुत गलत किया सरकार ने, इसको नहीं करना चाहिए। आज आप कोविड में देखिए शराब की दुकानें खुली हैं, हमारे शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरा दिया है इनने, स्कूल बंद कर दिए, कोचिंगें बंद कर दी है, वैसे ही 3 साल से जगह नहीं आई। बॉकस फालतू चीजों पर है, शराब नीति, शिक्षा तो इनने बिल्कुल खत्म ही कर दिया। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम कैसे बढ़ेंगे? इसके खिलाफ हमने आज माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है। तो आपको क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन छोड़िए, इसमें आश्वासन नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर साहब सिर्फ हमारा आवेदन ले लिया है, इस पर कोई सरकार वो आगे फॉरवर्ड करेंगे ज्ञापन को, ज्ञापन को सरकार के पास जाएगा। युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य का क्या होगा? इसमें स्वास्थ्य का बहुत खराब असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो दिल्ली में भी तो शराब के ठेके खुले हैं जगह जगह, 4 से ज्यादा दिल्ली में 766 थे। सबसे सस्ती शराब तो दिल्ली में ही मिलती है आपके हिसाब से क्या दिल्ली में? लेकिन शराब स्कूल भी तो खुले हैं, स्कूल बंद नहीं है। जो शीला मैम के टाइम पे थी जो कलारिया जो भी ठेके थे, उससे 4 और कम है अभी दिल्ली में प्रेजेंट वर्तमान में, आप अभी आंकड़े निकाल के देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।